मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ मॉस्को का टॉप मेट्रो स्टेशन। हाय, हाउ आर यू? गुड टू सी यू। 84 मीटर्स का है ये एस्केलेटर, सबसे बड़ा और सबसे डीपेस्ट मॉस्को में। नेवर माइंड। इतना सुंदर है ये स्टेशन कि क्या बोलूं मैं, जबरदस्त लग रहा है। व्हाट डू यू थिंक, कैन वी गो? यस। Yeah. It was a great pleasure to spend time to spend today with you. Very beautiful it is. नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आशीष, स्वागत है फिर से एक बार आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूँ अभी मॉस्को में, और कैसे मॉस्को में 6 दिन निकल गया पता ही नहीं चला, और आज आखिरी दिन है मेरा मॉस्को में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये ब्लॉग को मैं अपने होस्ट के घर से शुरू करूँ। और अभी फिलहाल मैं नाश्ता, मतलब लंच समझ लो, क्योंकि अभी 12:25 हो गया है, तो मैं लंच बना रहा हूँ यहाँ पे। और जो मेरी होस्ट है अनास्तासिया, वो अभी बाहर गई हुई है और मौका ही नहीं मिल रहा है उससे मिलाने का आपको, क्योंकि वो बहुत बिजी है, आती है जाती है। तो फिर मैं सिर्फ उसको खाना खिला पा रहा हूँ यहाँ पे, बस उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, और मैंने ज़्यादा घर पर ब्लॉग भी नहीं बनाया। तो ये अनास्तासिया का किचन है जो मैंने हाईजैक कर लिया, और यहाँ से जो बहुत खूबसूरत व्यू है बाहर मॉस्को, ये साउथ मॉस्को का हाईवे है यहाँ पे। तो मैं फटाफट अभी मैं लंच बनाता हूँ, फिर आपसे बात करते हैं। मैं लंच करके बाहर जैसे निकला हूँ, मॉस्को का वेदर एकदम बदल गया है, और आप देख सकते हो यहाँ पे इतना सारा काला बादल आ गया है, और बारिश भी शुरू हो गया थोड़ा बहुत। प्लान ये है कि मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ मॉस्को का टॉप मेट्रो स्टेशन, और शाम को एक फ्रेंड से मिलने वाला हूँ। अभी बारिश शुरू हो गया है और मैं जा रहा हूँ मेट्रो स्टेशन की तरफ। यार आज बारिश नहीं हो रहा था यार, बहुत ज़्यादा ज़ोर से बारिश हो रहा है। मैं पहुंच गया हूं पहला मेट्रो स्टेशन जिसको रूमियांस वो बोलते हैं, और ये है रेड लाइन में। और इस मेट्रो स्टेशन का खासियत जो है इसका वॉल्स बहुत ज़बरदस्त है, जो मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो यहां पे ट्रेन, आप देखो वॉल्स, ये ऐसा लग रहा है कि टाइल्स का काम किया हुआ है, पर टाइल्स नहीं है, ये ग्लास है, कलरफुल ग्लास है। तो बहुत सुंदर लग रहा है, अमेजिंग मेट्रो स्टेशन है ये। दूसरे मेट्रो स्टेशन में, क्योंकि मेरा ट्रेन आ गया है। तो ये है दूसरा मेट्रो स्टेशन जिसका नाम है तोपार योवो, और ये देखो भाई, ऐसा लग रहा है कि ये डिजिटल पेड़ है, और काफ़ी अलग सा ये मेट्रो स्टेशन, ये स्टील का या तो मेटल का आप देख सकते हो पेड़ बना हुआ है, और पेड़ के पत्ते देखो कितना सुंदर बना हुआ है। मैं हूँ अभी तीसरे मेट्रो स्टेशन में जिसको KVSK बोलते हैं, और ये ब्राउन लाइन में आता है, और इसका जो बेस्ट पार्ट है यहाँ का वो है मोज़ाइक किया हुआ वॉल्स, और काफ़ी भीड़ भाड़ है यहाँ पे, और आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा भीड़ है, और ये बहुत सुंदर है। एक डोम बना हुआ है यहाँ पे, और दोनों साइड में अगर आप देखोगे तो हर वॉल में मोज़ाइक का काम किया हुआ है, तो बहुत सुंदर है ये। आपको मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि यहाँ पे आके आप विजिट करो ये वाला मेट्रो स्टेशन में, काफ़ी सुंदर है। अभी थोड़े पहले इतना भीड़ था क्योंकि दोनों तरफ से ट्रेन आ रहे थे, लोग काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, पर अभी थोड़ा खाली हो गया है। तो ये मेरा रहेगा तीसरा रिकमेंडेशन। तो अभी भी मैं क्रिवस्कया मेट्रो स्टेशन में ही हूँ, पर मैं अभी दूसरे साइड में आ गया हूँ जहाँ से मेरे को ब्लू लाइन लेना है, और यहाँ पे भी बहुत ज़बरदस्त इनका काम किया हुआ है वॉल पे। अगर आप देखोगे तो वॉल में यहाँ पे मोज़ाइक से काम किया हुआ है, बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ पे। तो ये वाला जो सेक्शन है ये आपको ब्लू लाइन की तरफ मिलेगा, ये वाला प्लेटफॉर्म।
अब मैं जा रहा हूँ अगले स्टेशन में, ब्लू लाइन में, पार्क प्रोक्टे बोल के। तो अभी ट्रेन आ चुका है यहाँ पे। मैं आ चुका हूँ अभी इस मेट्रो स्टेशन जिसका नाम है पार्क प्रोक्टे। और ये जो मेट्रो स्टेशन है, इस मेट्रो स्टेशन का जो खासियत है, इसका जो एस्केलेटर है वो 83 मीटर्स डीप है, जो आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि काफ़ी डीप मेट्रो का, काफ़ी डीप एस्केलेटर है इसका। और ये मेट्रो स्टेशन कुछ इस तरह का दिखता है, बहुत अलग सा लुक है यहाँ का टाइल्स जो नीचे है वो आपको वॉल में भी दिखेगा, और मेन इसका सीलिंग पूरा का पूरा वाइट दिख रहा है। मतलब क्या ज़बरदस्त लुक आ रहा है इस मेट्रो स्टेशन का, बहुत क्लासी है ये वाला। तो मैं ये समझा रहा था कि अगर आप मेट्रो में हो मॉस्को में, और आप यहाँ पे 17 लाइन्स है, तो 17 लाइन्स में आप अगर एक बार सिस्टम के अंदर टैप करके आ गए ना कार्ड, तो आप किसी भी लाइन में जाओ, रेड, ग्रीन, ब्लू, ब्राउन, येलो, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक बार आपका कार्ड से पैसे कटेगा 50 रुपये, और आप एक मेट्रो स्टेशन से दूसरे मेट्रो स्टेशन, दूसरे एक लाइन से दूसरे लाइन तक जा सकते हो बस उसी पैसे में। तो ये एक फ़ायदा है मॉस्को के मेट्रो का। तो अभी मैं जा रहा हूँ आपको यहाँ का एस्केलेटर दिखाने के लिए, जो डीपेस्ट है मॉस्को में, 84 मीटर्स का। तो देखते हैं कैसा है। वाओ, बहुत डीप है, मतलब दिखाई नहीं दे रहा है कि ऊपर कहाँ तक जाना है। 84 मीटर्स का है ये एस्केलेटर, सबसे बड़ा और सबसे डीपेस्ट मॉस्को में। आपको इजी होगा क्योंकि यहाँ पे 280-290 मेट्रो स्टेशंस है टोटल। तो उसमें से बेस्ट कौन सा है जो आपको देखना चाहिए, जो मैंने रिसर्च किया, अपने दोस्तों से पूछा, होस्ट से पूछा, तो मैं वही दिखा रहा हूँ आपको। तो ये आप विजिट ज़रूर करना पार्क प्रोक्टे, जिसका सबसे बड़ा मेट्रो, मतलब सबसे डीपेस्ट आपका ये एस्केलेटर है। रशिया में इतना डीपेस्ट एस्केलेटर बनाने का कारण, डीप मेट्रो बनाने का कारण ये भी है कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद इन्होंने देखा कि भाई बहुत दिक्कत है, भाई हमेशा कुछ ना कुछ यहाँ पे होते रहता है, तो इसलिए बनाया है कितना डीप, क्योंकि जब कुछ हो यहाँ पे बॉम्ब से बचने के लिए ये शेल्टर की तरह काम आता है। तो इतना मेट्रो स्टेशन है यहाँ पे, और इतना डीप यहाँ पे मेट्रो, क्योंकि यहाँ पे 60 मीटर का कम से कम 5-6 मेट्रो स्टेशन है यहाँ पे। तो लोग अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, वॉर सिचुएशन होता है, और छिपने का जगह चाहिए, बॉम्ब गिर रहा है, तो ये मेट्रो स्टेशन जो है ये एक शेल्टर की तरह यूज़ किया जा सके उस समय। तो उस सोच पे ये मेट्रो इस तरह का मेट्रो स्टेशन यहाँ पे बनाया गया है कि लोग नीचे आके सेफ रहें और लोगों को कुछ ना हो। तो ये है वो कारण, और काफ़ी डीप है, देख लो आप। अभी मैं जिस मेट्रो स्टेशन में आया हूँ उसका नाम है प्रोस्चेत रेवोलुसी, और ये ब्लू लाइन में है। और यहाँ का खासियत ये है कि आपको वॉल में इस तरह का मूर्ति दिखेगा, स्कल्पचर, और हर जगह पे, हर गेट में आप यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ ना कुछ बना हुआ है। तो इस तरह का आपको यहाँ पे मूर्ति दिख जाएगा, अलग अलग प्रकार के मूर्ति हर गेट में यहाँ पे है। आप देख लो दूर दूर में जितने भी गेट हैं यहाँ पे, हर गेट में है। तो कुछ इस तरह का इस मेट्रो स्टेशन का खासियत है। तो अब मैं जा रहा हूँ ग्रीन लाइन में। ग्रीन लाइन में एक बहुत सुंदर मेट्रो स्टेशन है, तो वो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। अभी जिस स्टेशन में पहुंचा हूँ, ये बहुत ही सुंदर मेट्रो स्टेशन, मायास्कोस्काया नाम है इस स्टेशन का, और इतना सुंदर है ये स्टेशन कि क्या बोलूँ मैं, जबरदस्त लग रहा है, बहुत सुंदर है। वाह, तो ये आज का आखिरी स्टेशन रहेगा, क्योंकि अभी मेरे को मेरे फ्रेंड से मिलने जाना है। तो उसके बाद अगर मौका मिला तो और मेट्रो स्टेशन दिखाऊंगा, नहीं तो इस बार के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको अभी तक जितना मैंने मेट्रो स्टेशन दिखाया अच्छा लगा हो। अभी मेरा ट्रेन आ रहा है, मैं जा रहा हूँ अभी रेड लाइन की तरफ, और ये ग्रीन लाइन में आता है। ठीक है, हाय, हाउ आर यू, गुड टू सी यू। हाँ, ओके, सो यू केम फ्रॉम देयर, गुड टू सी यू, आई एम सॉरी फॉर मेकिंग यू वेट। तो वापस से मैं मिल चुका हूँ यूलिया से। अगर आपने पिछला वाला ब्लॉग देखा होगा तो मैं यूलिया से इस्कॉन टेम्पल में मिला था। तो आज यूलिया बोली कि मिलते हैं, तो मैं अभी यूलिया से मिलने आया हूँ। तो बाहर बात करते हैं, बहुत आवाज़ है यहाँ पे। सेंट्रल चिल्ड्रंस स्टोर, बट हियर इज अ वॉच, अ वेरी ओल्ड
Okay. And the biggest, there is top five biggest watches. It's one of the biggest. Nice. So you will see. हमारा प्लान कुछ और था. हमारा प्लान था कैथेड्रल विजिट करने का यहाँ पे, जो सबसे फेमस कैथेड्रल है. पर बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, तो इसलिए हम लोग सोचे कि थोड़ा इंडोर रहते हैं, उसके बाद जाके कहीं ना कहीं घूमेंगे. वाओ, वो सो गुड. कैन आई टेक दिस होम टू इंडिया? यू कैन पार्सल मी, सेंड मी अ गिफ्ट, यू नो, ऑन माई बर्थडे. तो वाओ, क्या मॉल है यार. आई लाइक द पेंट ऑन टॉप, लाइक द ग्लास वर्क. बहुत बढ़िया यार. थोड़ा घूमते हैं यहाँ पे, अभी उपाय नहीं है, बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है. एंड थैंक यू फॉर कमिंग. यू नो पीपल हु सॉ यू यस्टरडे इन द टेम्पल, कृष्णा टेम्पल, नाउ वी आर यू नो वॉकिंग इन द मॉस्को, आई मीन इन द सिटी, एंड वी आर फ्रेंड्स, आई एम हैप्पी. तो अभी हम लोग बच्चों के खिलौने की दुकान से अंदर से हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि मेरे को बहुत ज़ोर से सुसु लगा है, और यूलिया बोल रही है कि चल यहाँ से लेके जाती हूँ मैं. आई सी इट. हाँ, बाहर अभी भी बारिश, रुक गया है थोड़ा बारिश. इट्स स्टॉप्ड, स्टॉप्ड. या थैंक यू, आई विल कम. ओके ओके ओके, आई विल कम. वाटर बटन, या नेवर माइंड. तो अभी हम लोग मेट्रो में आ गए हैं मॉल से. तो हम लोग का प्लान है कि कैथेड्रल ऑफ द क्राइस्ट सेवियर में जाने का, जो 6 बजे बंद हो जाता है. हमारे पास 1 घंटा टाइम बचा हुआ है, तो हम लोग फटाफट अभी रेड लाइन लेकर वापस जा रहे हैं कैथेड्रल की तरफ. तो अभी हम लोग क्रपोत्स्किंस के स्टेशन में है, और ये स्टेशन कुछ इस तरह का दिखता है. ये भी बहुत सुंदर है, हालांकि ये प्लान में नहीं था, पर आप देख लो, ये भी बहुत अच्छा मेट्रो स्टेशन है. ये रेड लाइन में आता है. तो हम लोग अभी पहुंच गए हैं कैथेड्रल ऑफ द क्राइस्ट द सेवियर. तो ये आखिरी चीज था मॉस्को में जो मैं देखा नहीं था, और जो देखना बाकी था. उम्मीद करता हूं कि एंटर करने दें, क्योंकि अभी 5 बज रहा है और 1 घंटा है, मतलब 6 बजे बंद हो जाता है. तो देखते हैं. व्हाट डू यू थिंक, कैन वी गो? यस. या इंटरेस्टिंग. ओह, इट्स ओपन, इट्स ओपन. वाओ. अभी हम लोग इस चर्च से बाहर आए हैं, द सेवियर ऑफ क्राइस्ट से, और अंदर में वीडियोग्राफी फोटोग्राफी मना है. फिर भी चुपके चुपके मैंने थोड़ा बहुत फोटोज़ और वीडियोज़ लिया है. तो ये चर्च में आप फोटो वीडियो नहीं ले सकते हो, पर फिर भी मेरे को दिखाना था कि कितना सुंदर है, और ज़्यादा मैंने वीडियो निकाला नहीं है. तो बाय द वे, इस चर्च का हिस्ट्री ये है कि ये काफ़ी पुराना चर्च है, मॉस्को का सबसे बड़ा चर्च है. 1931 में इस चर्च को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था टेररिज्म के थ्रू, और उसके बाद फिर वापस इसको रीबिल्ड किया गया. और जिस तरह का आर्ट वर्क है अंदर में, जिस तरह से पेंट किया हुआ, और जिस तरह से मतलब गोल्ड वगैरह भी मैंने देखा अंदर में, तो जिस तरह का काम किया हुआ है ना, आपको आके यहाँ पे देखना चाहिए मॉस्को में. तो अभी हम लोग आए हुए हैं इस सिनेमा हॉल में, जो 1912 में बना हुआ है. तो यूलिया ने बोला कि ये देखना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत पुराना है और अंदर से बहुत सुंदर है. तो यहाँ पे पुराने मूवीज़ दिखाते हैं और सब टाइटल्स के साथ, तो देखते हैं कैसा रहता है. तो दिस इज़ एंट्रेंस. ओके, तो ये है वो सिनेमा हॉल, बहुत सुंदर लग रहा है, कुछ इस तरह का दिखता है. तो ये कुछ अंदर से इस तरह का दिखता है, ये जगह सुंदर सा है. और सबसे बेस्ट पार्ट है कि यहाँ पे बार भी है. अच्छा लग रहा है. यूलिया ने ये बताया कि ये जगह बहुत पॉश और बहुत एक्सपेंसिव है. तो यहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ था, जब एक लड़की ने बोर्ड, मतलब सेंड मी दैट वीडियो, ओके, आई विल यूज दैट, यू शो मी द गर्ल. तो ये एक लड़की ने यहाँ पे एक बोर्ड में, रेड लाइट, सो एक लड़की ने बोर्ड में लिखा कि मैरी मी, जो भी यहाँ से है, जो इस जगह पे रहता है, क्योंकि इतना महंगा है ये जगह, अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है. तो हम लोग वही रोड पे आए हुए हैं. तो यूलिया ने ये बताया कि यहाँ पे लड़कियाँ भी बहुत सज धज के निकलती है, और बहुत हॉट है यहाँ की लड़कियाँ, और यहाँ की लड़कियाँ मतलब यहाँ पे आती है घूमने के लिए, कि कोई इसको पसंद करे यहाँ पे और वो यहाँ रह पाए. तो कुछ इस तरह का ये जगह है, तो काफ़ी सुंदर सा जगह है. तो अभी हम लोग वही एक्सप्लोर कर रहे हैं यहाँ पे, बट फन. तो यहाँ पे गाड़ी भी देख लो आप, मतलब मेबैक मर्सिडीज़ का दो दो,
फिर पीछे पोर्शे आ रहा है, तो आप देख सकते हो इस रोड का बोलचाल। यहाँ पे पोर्शे है, यहाँ पे एक और मर्सिडीज। तो आई मीन द कार्स ऑल्सो शोज दैट यू नो हाउ एक्सपेंसिव दिस प्लेस इज, बिकॉज ऑल द बी एम डब्ल्यूज एंड द मर्सिडीज एंड वॉट नॉट, ऑल द सुपर स्पोर्ट कार्स वी सी हियर। और ये जो बाहर आप देख रहे हो, ये सारा रेस्टोरेंट है यहाँ पे। बहुत पॉश एरिया ये वाला, जबरदस्त। आई लाइक द वाइब ऑफ दिस प्लेस। आई वुड हैव नेवर कम अलोन, आई डोंट नो, लाइक यू नो दिस सच प्लेस एग्जिस्ट इन मॉस्को। सो वाओ, अब बिल्डिंग पर देख लो भाई, कलर रेड एंड वाइट, और सारे रेस्टोरेंट से बाहर में, और बाहर में चेयर टेबल लगा हुआ है, लोग बैठ के खा पी रहे हैं, इन्जॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे लॉन्जरी शॉप काफ़ी हॉट, क्या कहते हैं, मैनीक्विन है यहाँ पे। और ये भी रेस्टोरेंट देख लो, बार है, इनफैक्ट बार या कैफे है पता नहीं, बहुत सुंदर लग रहा है, वेरी ब्यूटीफुल इट इज़। वाओ, ये ज्वेलरी शॉप है। How you feel meeting me and about India? I'm glad that yesterday we met. It's a cool experience because I like walking in Moscow, but usually I do it alone. Mm-hmm. And today I had a great company with an Indian guy, so I'm happy. I'm glad. Очень приятно. Мне тоже очень приятно. So, thank you for the present. You're welcome. So, तीन लाइन चेंज करने के बाद हम लोग पहुंच गए हैं मॉस्को सिटी में। और ये बहुत ही फेमस जगह है, क्योंकि ये जगह जो है आपको थोड़ा सा न्यूयॉर्क, दुबई, सिंगापुर सब कुछ आपको दिखेगा यहाँ पे। और क्योंकि यहाँ पे जो ये बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ पे जो बिल्डिंग्स है सारे ग्लास के बने हुए हैं, आपको दिखा दूं मैं, चारों तरफ स्काई स्केपर्स है, और इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग है कि क्या बोलूं मैं, और सारे के सारे ग्लास बिल्डिंग्स है, एंड इट्स क्रेजी। वाओ, आई लाइक दिस बिल्डिंग, द गोल्डन वन। व्हिच इज योर फेवरेट? आई लाइक एवरी बिल्डिंग हियर। इट्स, I think when you get here, you feel powerful. Powerful. Because mm-hmm. of these buildings and mm-hmm. its business mm-hmm. center, so money, mm-hmm. Opportunities, yeah. Future. Future, yeah. And हम लोग छाते में हैं यहाँ पे, so how is it with the umbrella? It's raining. Yeah, it's raining. पर सच में यार बहुत ज़बरदस्त है, मेरे को अपना न्यूयॉर्क वाला वाइब आ रहा, हालांकि मैं कभी न्यूयॉर्क गया नहीं हूँ, पर बिल्डिंग्स देखो यार बहुत बड़े बड़े, ये बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेस। अभी बारिश नहीं होना चाहिए था यार, क्योंकि हम लोगों को घूमना था यहाँ पे, पर कोई बात नहीं। हमारा प्लान ये था कि थोड़ा ये बिजनेस डिस्ट्रिक्ट और घूमेंगे, पर बारिश अभी बहुत ज़ोर से हो रहा है, तो हम लोग को अब वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि यूलिया को भी घर जाना है, काफ़ी टाइम से मेरे साथ है। थैंक यू फॉर यू नो मेकिंग टाइम फॉर मी एंड शोइंग मी न्यू प्लेसेस इन मॉस्को, एंड डेफिनेटली माय लास्ट डे इज वर्थ स्पेंडिंग सम टाइम विद यू टुगेदर, वॉकिंग एंड सीइंग प्लेसेस। सो इट्स पॉसिबल, आई एम सॉरी फॉर दैट, एंड I hope that you know we meet again, and definitely I'll come back to Russia, and you are welcome to my country India, and yeah, we meet again hopefully. And do you have to say anything? It was a great pleasure to spend today with you. It was an interesting new experience for me, so thank I was you glad thank you helpful. Thank you. Umeed karta hu ye vlog acha laga hoga, acha laga ho to प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कर देना, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए लव योरसेल्फ एंड कीप हॉपिंग, एंड दस विदानिया फ्रॉम मॉस्को। दस विदानिया, बाय।